और भाई क्या हालचाल सबके, कैसे हो सब। सो गाइस ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है एंड यूनिक भी है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा जिसके मदद से आप ट्रेनिंग रूम में स्विम कर सकते हो। ऑब्वियसली पानी में नहीं, बट जमीन पर, ट्रेन के ऊपर एंड सीढ़ी के ऊपर स्विम कर सकते हो, ठीक है ना। सो गाइस बिना टाइम वेस्ट किए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस आपकी ये वाली ट्रिक ट्रेनिंग रूम में काम करेगी। सो आप एक नॉर्मल सा ट्रेनिंग रूम वाला मैच लगा दीजिए। और गाइस एक चीज का ध्यान रखिएगा कि जब भी आप एक ट्रिक को परफॉर्म करेंगे तो आप पहले जोन में ही रहिए, ठीक है ना, मतलब सोशल जोन जो होता है वहीं पे रहिएगा। इसके बाद जो भी जोन आते हैं, मतलब गन खरीदने वाला, इन फाइट करने वाला, वहां पे मत जाइएगा। सो गाइस आपको इसके अंदर नहीं घुसना है एंड इसके बदले सीधा भाग जाना है पानी के साइड में। सो गाइस अभी तो आप सबको पता होगा कि यहाँ पानी के साइड में एक लंबा सा रेलवे ट्रैक बना हुआ है एंड रेलवे ट्रैक के एकदम पीछे से एक लंबी सी ट्रेन आती है जो आपको धक्का मारती है। सो गाइस अभी आपको क्या करना है, जहाँ पे मैं अभी मुक्का मार रहा हूँ ना, आपको बस वहाँ पे वेट करना है कि कब आपकी ट्रेन उस जगह पे आएगी एंड आपको धक्का देगी। सो गाइस आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सामने से लंबी सी ट्रेन आ रही है। सो गाइस आपको यहाँ पे थोड़ा सा पेशेंस रखना है एंड वेट करना पड़ेगा कि कब आपकी ट्रेन उस जगह पे आएगी जहाँ पे मैंने मुक्का मारा एंड आपको धक्का देगी, ठीक है ना। सो गाइस मैं यहाँ से थोड़ा स्किप कर देता हूँ ताकि आप बोर ना हो एंड मैं आपको डायरेक्ट ट्रिक की तरफ दिखा सकूँ। सो गाइस फाइनली यहाँ पे हमारी ट्रेन आ चुकी है। अब आपको क्या करना है, आपको इसी जगह पे, जैसा कि आपको इस क्लिप में दिख रहा होगा, आपको वहाँ पे खड़े हो जाना है या फिर आप लेट भी सकते हैं। सो गाइस जैसे आप उस जगह पे खड़े रहेंगे, ट्रेन आएगी, आपको धक्का देगी और फिर आपका कैरेक्टर जो है जमीन पर स्विम करने लगेगा। तो गाइस मैं जब वीडियो बना रहा था ना, मेरे यहाँ पे कुछ 2-3 सब्सक्राइबर आ गए थे एंड वो मेरे को आई लव यू बोल रहे थे, खासकर ये लड़की जिसने येलो कलर का कपड़ा पहना है। सो गाइस और ये मेरे आगे पीछे घूम रहे थे और ये भी सोच रहे होंगे कि आखिर ये बंदा क्या कर रहा है, ये जमीन पे स्विम कैसे कर सकता है। सो गाइस अभी तो आप सबको पता होगा, अभी तो काफी लेट हो चुका है, लेकिन एक वीक पहले या 1 या 2 वीक पहले एक ट्रिक आई थी ट्रेनिंग रूम में, जिसमें आप इनविजिबल हो सकते हैं एंड अपने एनिमीज को मार सकते हैं या फिर जस्ट मजे ले सकते हैं। सो गाइस ये वाली ट्रिक को भी फन की तरह लीजिएगा, हेट बिल्कुल मत कीजिएगा, ठीक है ना। बस एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए मैंने इस वीडियो को बनाया ताकि आप बस मजे ले सके अगर आप रैंक पुश करते करते या गेम खेलते खेलते बोर हो गए और अपने दोस्तों को दिखा सकें कि भाई मैं जमीन पे स्विम कर रहा हूँ, मैं सीढ़ी पे स्विम कर रहा हूँ, जस्ट मजे के लिए लीजिएगा। सो गाइस जैसा कि आप सबको इस क्लिप में दिख रहा होगा, ये दोनों बंदे कैसे मेरे पीछे पीछे चल रहे थे, मतलब ये दोनों पूरे शॉक हो गए होंगे कि आखिर कैसे एक बंदा जमीन पर स्विम कर सकता है, क्योंकि गाइस मैं फुल एनिमेशन के साथ और अपने अलग के एबिलिटी के साथ यहाँ पे स्विम कर रहा था, ठीक है ना। गाइस ये लोग भी सोच रहे होंगे भाई ये क्या हो रहा है आखिर हमारे साथ, हम कहाँ आ गए, ये क्या हो रहा है इधर। सो गाइस इस ट्रिक के मदद से मैंने तो आपको दिखा दिया एंड सिखा दिया कि आप कैसे जमीन पर स्विम कर सकते हैं। सो गाइस अब चलिए आपको दिखाता हूँ कि आप सीढ़ी पर भी स्विम कर सकते हैं इस ट्रिक के मदद से। सो गाइस ये देखना काफी इंटरेस्टिंग था, क्योंकि मैं नीचे से ऊपर जा रहा था सीढ़ी पर और फुल एनिमेशन के साथ जो स्विमिंग वाला होता है फ्री फायर में। सो गाइस ये देखना काफी मजेदार था। और गाइस ये लड़की लगातार मेरे पीछे पड़ी हुई थी, ठीक है ना, मतलब ये दिमाग में सोच रही होगी कैसे एक बंदा जमीन पर और सीढ़ी पर स्विम कर सकता है। सो गाइस वो इतनी पागल हो गई कि उसने बैक कर लिया गेम से, मतलब वो कुछ ये सोच के बैक की होगी। सारे मिल के हमको पागल बना रहे हैं। सो गाइस इस ट्रिक के मदद से आप पूरे ट्रेनिंग रूम में स्विम कर सकते हैं एंड अपने एनिमीज को परेशान कर सकते हैं। सो गाइस जैसे कि आप सबने देखा, वो लड़की इतना ज्यादा परेशान हो गई और गुस्सा हो गई, क्योंकि उसको समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर मैं कैसे स्विम कर रहा हूँ हर जगह। सो गाइस वो इतनी ज्यादा परेशान हो गई कि उसने गेम से हैक कर दिया। सो गाइस ऐसा आप भी कर सकते हो मजे के लिए, अपने फ्रेंड्स को भी चिढ़ा सकते हो कि आखिर मैं हैकर बन गया हूँ, मैं यहाँ पर स्विम कर रहा हूँ। सो गाइस जस्ट को मस्ती के लिए लीजिएगा और फन के लिए लीजिएगा और 50 रुपया कट ओवर एक्टिंग की वजह से। सो गाइस अब चलिए ट्राई करते हैं कि अगर हम इसी तरह से ट्रेनिंग ग्राउंड में जाएंगे फाइट करने के लिए तो क्या हमारा कैरेक्टर वहां पे भी स्विम करेगा। सो चलिए देखते हैं। सो नहीं गाइस आपका ये ट्रिक यहाँ पे काम नहीं करेगा, मतलब ये सिर्फ काम करता है सोशल जोन में एंड अगर आप सोशल जोन छोड़ के कहीं और भी जाते हैं तो आपका कैरेक्टर वापस नॉर्मल हो जाएगा और वापस खड़ा हो जाएगा। सो गाइस अगर तो आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा एंड अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या कर रहे हो यार, 60,000 होने वाले, जल्दी से कर दो एंड बेल आइकन दबा देना। टिल देन टेक केयर, बाय।